आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कोई राजनीतिक नारा नहीं बल्कि उनके जीवन का मिशन है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, भोपाल कलेक्टर ने कॉलेज के छात्रों से किया संवाद। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचे अटल जी के अस्थि कलश, 10 प्रमुख नदियों में हो रहा है विसर्जन। और मौसम केंद्र ने प्रदेश के 14 जिलों में दी भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वे आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कमल शक्ति कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। महिला सशक्तिकरण उनके लिए कोई राजनीतिक नारा नहीं बल्कि उनके जीवन का मिशन है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना इसी सोच का परिणाम है। वहीं प्रतिभा किरण योजना का लाभ राज्य की हजारों बेटियों ने उठाया है। प्रदेश में होने वाले स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश में महिला स्वसहायता समूह एक आंदोलन बन गया है। इन समूहों के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और उनके द्वारा बनाई गई सामग्री का टर्नओवर 200 करोड़ के पार है। भोपाल कलेक्टर डॉ. सुदाम खाड़े ने आज एक कॉलेज में जाकर छात्रों से संवाद किया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वोट हर मतदाता का अधिकार है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसका उपयोग करना नितांत आवश्यक है। डॉ. खाड़े ने कहा कि आपके वोट से सरकार बनती है, आप लोकतंत्र के सच्चे और सक्रिय भागीदार बने। डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने छात्र संवाद में कहा कि पात्र सभी विद्यार्थी मतदाता कार्ड बनवाएं और मतदान अवश्य करें। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि व्यसन से दूर रहें। उन्होंने कहा कि संस्थान में शीघ्र ही महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित होकर छात्राओं से संवाद करेंगी ताकि जरूरत होने पर उन्हें सुरक्षा और सहयोग मुहैया कराया जा सके। वहीं खंडवा जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में आज मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने मीडिया प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें वीवीपैट मशीन संचालन की प्रक्रिया भी समझाई। देवास में आज ईएलसी के लिए स्वीप अभियान के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं टीकमगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 3 महीने बाद आज फिर से वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री का पदभार संभाल लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने एक ट्वीट में श्री जेटली द्वारा इस पद का कार्यभार संभालने का स्वागत किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से अपने परिसरों में जंक फूड यानी ज्यादा कैलोरी और कम पौष्टिकता वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर पाबंदी लगाने का निर्देश देने को कहा है। अपने पत्र में आयोग ने कहा है कि कॉलेजों में जंक फूड पर पाबंदी लगने से पौष्टिक आहार के नए मानदंड कायम होंगे जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि नवीन तकनीकों से जितनी सुविधाएं बढ़ी उतने खतरे भी बढ़े हैं। श्री गुप्ता आज स्थानीय कोपल स्कूल में साइबर सुरक्षा वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। एसपी साइबर सेल सुदीप गोयनका ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का आईडी पासवर्ड चुराने पर 3 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह आपकी पेनड्राइव से किसी के कम्प्यूटर का डेटा नष्ट हुआ तो 5 करोड़ रूपये का जुर्माना लग सकता है। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत सितंबर 2014 में हुई थी। प्रदेश में भी अब इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। बुरहानपुर के युवा इंजीनियर मुदस्सर ने विदेश में अपनी नौकरी छोड़कर जिले में हैंडलूम शुरू किया है। मुदस्सर का कहना है कि सरकार की योजना से उन्हें काफी लाभ हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को इतना फायदा मिला है इस चीज के ना, ये मशीन के ना फुल ऑटोमेटिक मशीन उन्होंने सरकार ने हम लोगों को अपग्रेड करके दिलवाई है और उससे बेनिफिट्स इतने सारे हैं। जैसे जो लेबर है उन लोगों की कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा बढ़ गई है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है पैसों से। जो परेशान रहते थे इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, आजकल रोजगार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेबर वर्क भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑटोमाइजेशन भी है। वहीं इस हैंडलूम में काम करने वाले एक बुनकर मोहम्मद शफी का कहना है कि पहले ये पावर लूम हम चलाते थे
इसमें अधिकतर करके सामान और ये गर्मी के मौसम हो ये सब दिक्कतें बहुत आती थी, मतलब कटले मांगना, लोटा बैठे आना, ये सब दिक्कतें बहुत आती है और सामान का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा था। अब ये जो भारत सरकार ने मतलब ये जो ऑटोमेटिक मशीन निकाले इसमें बहुत अच्छा है, हमको बहुत आराम है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। सारा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश की विभिन्न नदियों में विसर्जन के लिए स्वर्गीय अटल जी के अस्थि कलश पहुंच रहे हैं। कलश यात्रा के मार्ग में आमजन भी अटल जी के अस्थि कलश का दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। अटल जी की अस्थियां प्रदेश की 10 प्रमुख नदियों नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, चंबल, सोन, बेतवा, पार्वती, सिंध, पेंच और केन में विसर्जित की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह 25 अगस्त को एक अस्थि कलश नर्मदा नदी में विसर्जित करेंगे। चंबल नदी को जाने वाली अस्थि कलश यात्रा ग्वालियर से शुरू होगी। ये यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचेगी। जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया जिले के सेवड़ा में स्वर्गीय वाजपेयी जी की अस्थियां सिंध नदी में विसर्जित की। अस्थि कलश यात्रा आज सागर पहुंची। सागर में गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह और अन्य नेताओं ने सहित आमजनों ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा का रात्रि विश्राम आगरमालवा में होगा। अस्थि कलश यात्रा कल सुबह जिले के सुसनेर और मूड़ी होती हुई राजगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुलदीप नैयर आज पंचतत्व में विलीन हो गए। 95 वर्षीय श्री नैयर इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक थे और उन्होंने बियॉन्ड द लायंस, इंडिया आफ्टर नेहरू एंड इमरजेंसी रीटोल्ड सहित 15 पुस्तकें लिखीं। 2015 में रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत उन्हें पत्रकारिता में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री कुलदीप नैयर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री कुलदीप नैयर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री नैयर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने धारदार लेखन से पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है। बारिश के मौसम को देखते हुए प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। मच्छरों के काटने से चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया रोग होता है। इसी कड़ी में खंडवा जिले में शासकीय अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रतन खंडेलवाल ने लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 14 जिलों ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुरहानपुर में भारी वर्षा से ताप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बड़वानी, होशंगाबाद, नीमच, शिवपुरी, खंडवा जिले में बारिश जारी है। लगातार बारिश की वजह से विदिशा जिले में बेतवा नदी उफान पर है और उसके आसपास के सारे मंदिर लगभग जलमग्न हो चुके हैं। बेतवा सहित जिले की अन्य सहायक नदियां उफान पर होने की वजह से विदिशा में गंज बासौदा, नटेरन, शमशाबाद, अशोकनगर, रायसेन, बेगमगंज, गैरतगंज, कुरवाई आदि से सड़क संपर्क टूट चुका है। वहीं सतना जिले में जिगनहट गांव के पास आज नदी में नहाने के दौरान 4 लोग बह गए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 1 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में कांग्रेस नेताओं के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें कांग्रेसियों ने अटल जी की कलश यात्रा से लाभ उठाने की बात कही है। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज सीतानगर डैम का निरीक्षण किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दीपक बावरिया कल मुरैना जिले के दौरे पर हैं। वे यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। शहडोल जिले में साउदर्न ईस्टर्न फील्ड लिमिटेड कंपनी ने कोयला खदानों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही 3 सुरक्षा एजेंसियों को टर्मिनेट कर दिया है, जिससे सुरक्षाकर्मी बेरोजगार हो गए हैं। भिंड जिला टास्क फोर्स के साथ जिलाधिकारी आशीष कुमार और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अभियान के तहत अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे 26 वाहनों पर लगभग 8,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कोई राजनीतिक नारा नहीं बल्कि उनके जीवन का मिशन है।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, भोपाल कलेक्टर ने कॉलेज के छात्रों से किया संवाद। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचे अटल जी के अस्थि कलश, 10 प्रमुख नदियों में हो रहा है विसर्जन और मौसम केंद्र ने प्रदेश के 14 जिलों में दी भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।